नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। बीजेपी के एमएलसी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी अर्जुन सहनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल दरभंगा में बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सहनी को जिंदा जलाकर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के साथ ही एमएलसी के पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जानकारी के अनुसार खुद को वीआईपी पार्टी का नेता बताने वाले शंकर सहनी नाम के शख्स ने धमकी दी है और इस मामले को लेकर एमएलसी के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। हालांकि एमएलसी ने ये आशंका भी जताई है कि इसके पीछे वीआईपी पार्टी के मुखिया का हाथ है। और इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी अर्जुन सहनी, जरा वो सुनिए। कारण यही है कि जिंदा जलाने की जो धमकी मिला है वो भी वीआईपी पार्टी के समर्थक है। वो पार्टी के पदाधिकारी पटना महानगर के रहने वाला है। विगत कुछ दिन पहले बिगौल थाना पर थाना अध्यक्ष के सामने में जिस प्रकार से मुकेश सहनी राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के घूस देने का जो स्टाइल बनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल के माध्यम से मुझे पता लगा, मैंने इसका कोट किया कि कानून सरकार को बदनाम करने की साजिश की है मुकेश सहनी, जो शाम थाना प्रभारी के सामने में घूस देने का जो रुपया फेंक कर फिल्मी अंदाज भी किया, अपना छवि को चमकाने या सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश किया। मैं अपने जिला के पुलिस कप्तान से मैंने किया है संज्ञान में दिया कि ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर हो और उसके साथ गिरफ्तारी हो। कहाँ आपने एफआईआर कहाँ किया, किस थाने में किया? मेरे भतीजा के आईडी पर जो धमकी दिया, मेरा भतीजा बहादुरपुर क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने भतीजा के माध्यम से बहादुरपुर थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। ये कौन लोग हैं जो आपको धमकी दिए, किस आईडी से आपको धमकी आई? कौन वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने धमकी दिया है, मेरे भतीजा के आईडी पर धमकी दिया है, जो कारण समझिए रहे कि बिरौल थाना के घूसकांड का एक नतीजा है। उसके कहने पर, राष्ट्रीय नेता के कहने पर इस प्रकार के बयान दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार हो। क्या लगता है, इसकी सूचना आपने अपने बड़े नेता को? हाँ, मैंने अपनी इसकी सूचना प्रदेश को आला अधिकारी सबको मैंने सूचना दिया है और इसका भी संज्ञान लेंगे, हमें मुझे विश्वास। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी अर्जुन सहनी। उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनके एक भतीजे के फेसबुक आईडी पर ऐसी बातें लिखी गई हैं और खुद को शंकर सहनी, जिसने ये धमकी दी है, वो वीआईपी का युवा अध्यक्ष बताता है और उसने इस धमकी को दिया है। हालांकि इस दौरान अर्जुन सहनी ने कहा कि उन्होंने इसकी जानकारी अपने पार्टी के आला अधिकारियों को भी दी है और साथ ही साथ इसकी लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।